अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में कंपेयर करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले को टेक्नो स्पार्क 7T के साथ, क्योंकि दोनों डिवाइसेस की प्राइसेस सेम हैं, दोनों की स्पेसिफिकेशंस भी ज़्यादातर सेम हैं। तो क्या डिफरेंस है स्पेसिफिकेशंस में और क्या डिफरेंस है परफॉर्मेंस के अंदर, क्या डिफरेंसेस हैं कैमरे के अंदर, वो हमने देखना है क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। दोनों डिवाइसेस 22,000 रुपये के प्राइस के अंदर हैं और दोनों 4GB रैम 64GB रोम के वेरिएंट हैं। दोनों में मीडियाटेक हीलियो G35 मिल रहा है। तो देखना है कि कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी, कैमरा रिजल्ट किसका बेहतर होगा, डे टू डे यूज़ के अंदर कैसी है, डिज़ाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, यानी ओवरऑल कंपेरिजन करेंगे और लास्ट में डिसाइड करेंगे कौन सी डिवाइस 22,000 रुपये के प्राइस के अंदर बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। राइट साइड पे है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले और लेफ्ट साइड पे है टेक्नो स्पार्क 7T। दोनों के ब्लैक कलर्स हैं और दोनों की डिजाइनिंग, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करेंगे और डिजाइनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। डिजाइन के अंदर काफी बड़ा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का सिंपल डिजाइन है, कर्व साइज जरूर है लेकिन यह डिस्प्ले साइज भी बड़ा है, इसलिए दोनों के डिवाइस में आपको साइज नजर आ रहा होगा डिफरेंस। जबकि स्पार्क 7T थोड़ा सा खूबसूरत है, लाइनिंग डिजाइन है, दो कलर्स का लाइनिंग है, नीचे की साइड पर थोड़ा सा लाइनिंग के अंदर गेप्स आ रहा है, मोटी लाइन है और ऊपर की साइड पर पतली लाइन है जो कि खूबसूरत लग रहा है। स्पार्क की यहाँ पे ब्रांडिंग हुई भी है और यहाँ नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हुई भी है। कैमरा सेंसर्स की बात करें तो दो कैमरा सेंसर हैं दोनों की बैक साइड पे और क्वाड LED फ्लैश मिल रहा है दोनों में, दोनों के साइड पे बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसी तरह फ्रंट साइड की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले साइजेस के अंदर आपको फर्क नजर आ रहा होगा। मैं आपको निकाल के रख के दिखाता हूँ दोनों डिवाइस को एक साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पार्क 7T थोड़ा सा छोटा है और इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे 6.8 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के अंदर, जबकि हमारे पास टेक्नो स्पार्क 7T के अंदर 6.5 इंच का डिस्प्ले है। तो ये डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। आई थिंक 6.5 इंच का एक कॉम्पैक्ट साइज होता है, इजी टू यूज़ होता है, वन हैंड यूज़ के अंदर भी इजीली कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में यूज़ कर सकते हैं इजीली। जबकि 6.8 इंच का डिस्प्ले साइज कुछ लोगों को बड़ा पसंद होता है क्योंकि कुछ लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे मूवीज़ देखनी होती हैं या गेमिंग करनी होती है तो बड़े डिस्प्ले पसंद होते हैं और कुछ को वन हैंड यूज़ के लिए ज़्यादा 6.5 इंच के, यानी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। इसके अलावा दोनों के अंदर IPS LCD यूज़ हुई है और दोनों के अंदर HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, यानी 720x1640 पिक्सल्स का। और दोनों यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन टू बोर्ड रेशियो की बात करें तो दोनों के बेजल सेम हैं, दोनों का चीनिंग का एरिया सेम है, दोनों के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है। तकरीबन डिस्प्ले सेम है स्पेसिफिकेशन वाइज, बस डिस्प्ले साइजेस का फर्क है, हॉट 10 प्ले थोड़ा सा बड़ा है। और पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे 7T ज़रा प्रोवाइड कर रहा है 269 PPI की, जबकि हॉट 10 प्ले के अंदर 263 PPI की पिक्सल डेंसिटी में मिलती है। हालांकि सब चीज़ें सेम है, ब्राइटनेस भी दिखा देता हूँ मैं आपको, दोनों डिवाइसेस की हम ब्राइटनेस फुल कर देते हैं आउटो साइड आके। तो यहाँ पे ज़्यादा जो ब्राइट डिस्प्ले है वो स्पार्क 7T का है, आप कैमरा स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा। वाइड स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, वाइड स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं ज़्यादा वाइट्स जो अच्छे वाइट्स लग रहे हैं वो स्पार्क 7T के हैं। हॉट 10 प्ले के अंदर येलोइश कलर आ रहा है। हालांकि हम डिस्प्ले सेटिंग में अभी जाकर आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल सेम सेटिंग है, डिस्प्ले सेटिंग को बिल्कुल हमने यहाँ पे नहीं कुछ किया, छेड़ा नहीं है, बिल्कुल दोनों की डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं। ब्राइटनेस लेवल दोनों का है, अडॉप्टिव ब्राइटनेस दोनों में बंद है, आई केयर दोनों में बंद है और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें सेम मिल रही हैं, डार्क मोड बने दोनों के अंदर, सारी ये जो डिस्प्ले सेटिंग है उसको सेम रखा गया है। उसके बावजूद भी स्पार्क 7T की ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है, वाइट्स भी ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि हॉट 10 प्ले के थोड़े से येलोइश बैंड में वाइट मिल रहे हैं। तो ये क्या डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी, जिसके अंदर मुझे स्पार्क 7T पसंद आया। डिस्प्ले साइज़ में भी कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन में भी कलर्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, पिक्सल डेंसिटी भी आपको ज़्यादा मिल रही है और वाइट कलर्स की भी बात करें तो उसमें वाइट्स ज़्यादा अच्छे स्पार्क 7T के हैं। कैमरास की बात कर लेते हैं, कैमरा सेगमेंट में यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के अंदर भी डुअल कैमरा सेटअप है, जबकि स्पार्क 7T में भी, लेकिन कैमरा पिक्सल्स में फ़र्क है। हॉट 10 प्ले प्रोवाइड करता है 13 MP का मेन कैमरा विद अपर्चर f1.8 और सेकेंडरी कैमरा बताया नहीं गया, आई थिंक QVGA कैमरा होगा। इसके अलावा क्वाड LED फ्लैश मिल रहा है बैक साइड पे, जबकि टेक्नो स्पार्क 7T के अंदर 48 MP का मेन कैमरा है और यहाँ पे भी सेकेंडरी कैमरे को बताया नहीं गया, QVGA कैमरा होगा और क्वाड LED फ्लैश मिल रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 48 MP और 13 MP काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और कैमरा फीचर्स भी देख लेते हैं, कैमरा क्वालिटी भी देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। फिलहाल फ्रंट कैमरा दोनों का सेम है, 8 MP का सेल्फी कैमरा लगाया गया है दोनों डिवाइसेज में और दोनों में LED फ्लैश भी मिल रहा है फ्रंट पे पैनल पे। कैमरा फीचर्स भी देख लेते हैं, कैमरा ऐप ओपन करते हैं, दोनों डिवाइस में AI कैमरा का ऑप्शन आता है। हॉट 10 प्ले के अंदर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऊपर की साइड पे आप सकते हैं HDR
एस्पेक्ट रेशो फिल्टर्स मिल रहे हैं, जबकि स्पार्क 70 के अंदर 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन भी हमें मिलता है जिसमें पिक्सल ज़्यादा हो जाते हैं, डिटेल ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा दोनों में ब्यूटी मोड मिल रहा है, दोनों में AR शॉट्स का ऑप्शन है। वीडियो सेक्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर दोनों डिवाइस के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों में मैक्सिमम रेजोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे स्पार्क 70 के अंदर आपके पास वीडियो में बुके इफेक्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है जबकि इस हॉट 10 प्ले के अंदर नहीं मिलेगा, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर हमें मिला स्पार्क 70 में। इसके अलावा दोनों के अंदर स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिल रहा है। कुछ कैमरा शॉट्स भी मैंने कैप्चर किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों डिवाइस के कैमरा शॉट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों डिवाइस के कैमरे के अंदर काफी बड़ा डिफरेंस है। हॉट 10 प्ले के मुकाबले में स्पार्क 70 ने काफी अच्छे कलर्स कैप्चर किए हैं, कलर्स डिटेल्स काफी जबरदस्त कैप्चर किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल्स बिल्कुल नहीं फट रहे जूम करने पे भी, स्पार्क 70 ने काफी जबरदस्त कैप्चर किए हैं डिटेल्स कलर्स हॉट 10 प्ले के मुकाबले में। कलर्स के अंदर भी फर्क नजर आ रहा होगा आपको, स्पार्क 70 की काफी ब्राइट कलर्स की पिक्चर है जबकि हॉट 10 प्ले की पिक्चर में काफी डल कलर्स हैं। ये अगर कैमरा सेटअप परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया दोनों में स्पेसिफिकेशन तकरीबन सेम है, दोनों के अंदर मीडियाटेक हीलियो G35 को यूज किया गया है, नॉर्मल यूज की चिपसेट है और ज्यादा लोअर एंड की डिवाइस के अंदर यूज होती है। दोनों डिवाइसेस 4GB रैम 64GB रोम के वेरियंट प्रोवाइड करती हैं और दोनों में 2.3GHz का ऑक्टा कोर सीपीयू मिल रहा है। दोनों में GPU भी सेम है पावर VR G8320 का और 12nm फैब्रिकेशन प्रोसेस बेस करती है। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं हॉट 10 प्ले आता है एंड्रॉइड 10 पे, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ एंड्रॉइड वर्जन, यहाँ पे हमें मिलेगा एंड्रॉइड 10 जबकि स्पार्क 70 में हमें मिलता है एंड्रॉइड 11। तो ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है स्पार्क 70 जबकि इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रहा है एंड्रॉइड 10 के साथ और एंड्रॉइड 10 का भी गो एडिशन है जबकि यहाँ पे स्पार्क 70 के अंदर एंड्रॉइड 11 का नॉर्मल एडिशन है, यहाँ पे कोई गो एडिशन नहीं लगाया गया, सारे फीचर्स आपको फुल यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस में फर्क देख लेते हैं, G35 दोनों में है, मैंने कुछ गेमिंग एप्लीकेशन काफी सारी इसमें इंस्टॉल की हैं तो देखते हैं किस तरह चल रही है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड भी देख लेते हैं, कौन सी डिवाइस जल्दी ऑन कर रही है, कौन सी डिवाइस टाइम लगाती है। एक साथ रखते हैं दोनों डिवाइसेस को और एक साथ क्लिक करेंगे, सबसे पहले सोशल मीडिया देख लेते हैं, फेसबुक पे एक साथ क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं माइनर सा डिफरेंस था लेकिन स्पार्क 70 ने पहले लॉन्च किया उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने। इसी तरह हमारे पास इंस्टाग्राम भी है दोनों डिवाइस में एक साथ, इंस्टाग्राम पे क्लिक करके देखते हैं। इंस्टाग्राम भी टेक्नो स्पार्क 70 ने पहले लॉन्च किया उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसके अलावा मेरे पास मजीद कुछ एप्लीकेशन गेमिंग एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम फोन की अपनी एप्लीकेशन देखते हैं, डायलर एक साथ क्लिक करते हैं। डायलर में भी यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 70 पहले रहा, मैसेज बिल्कुल सेम टाइम पे हुए हैं। ब्राउजर देख लेते हैं, ब्राउजर भी तकरीबन सेम टाइम पे, थोड़ा सा इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले मुझे माइनर सा आगे लगा। इसके अलावा गेमिंग एप्लीकेशन देख लेते हैं एक साथ क्लिक करके, यहाँ पे CPU बूस्ट ऑन किया है टेक्नो स्पार्क 70 ने, अब से CPU यहाँ पे पावर इंजन ऑन किया है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने, दोनों डिवाइसेस लोडिंग कर रही हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने पहले लॉन्च किया और उसके बाद टेक्नो स्पार्क 70 ने। अब मजीद देख लेते हैं दोबारा से, अच्छा हमारे पास मजीद कौन सी एप्लीकेशन हैं और दोनों जो दोनों डिवाइस में एक साथ एक जैसी हो। यहाँ पर टेम्पल रन है, एक साथ क्लिक कर लेते हैं टेम्पल रन पे भी, दोनों डिवाइसेस ने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ऑन करी है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले पहले रहा, अच्छा लेकिन यहाँ कोई एरर आ गया इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में जबकि टेक्नो स्पार्क 70 ने लॉन्च कर दिया गेम। मजीद हम देख लेते हैं हमारे पास मजीद एप्लीकेशंस भी हैं, यहाँ पर दोनों में स्नैपचैट भी एक साथ क्लिक करके देखते हैं। स्नैपचैट पहले यहाँ पे स्पार्क 70 ने पहले किया उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने। और मजीद अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सी एप्लीकेशंस हैं, तो व्हाट्सएप भी आ गया दोनों में एक साथ क्लिक करके देखते हैं। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप बिल्कुल सेम टाइम पे किया दोनों डिवाइस ने लॉन्च। कैमरा ऐप को देख लेते हैं, कैमरा ऐप स्पार्क 70 ने पहले लॉन्च किया उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में। तो ज्यादातर एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड में स्पार्क 70 आगे है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के मुकाबले में। इसके अलावा रेजोल्यूशन कलर्स की बात करें तो गेमिंग के अंदर भी हमने देखा स्पार्क 70 के कलर ज्यादा बेहतर है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के मुकाबले में क्योंकि काफी ब्राइट डिस्प्ले है, पिक्सल डेंसिटी हमें यहाँ पे ज्यादा मिल रही है और कलर्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। इसके अलावा बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो दोनों डिवाइस में सेम 6000mAh की बैटरी मिल रही है, दोनों में कोई फास्ट चार्जिंग तो नहीं मिल रही लेकिन 6000mAh की बैटरी दोनों में लगाई गई है। दोनों का ड्रेन टेस्ट भी करेंगे, चार्ज टेस्ट भी करेंगे
कितनी देर में ड्रेन होती है, लेकिन दोनों की बैटरी कैपेसिटी सेम है, 6000 mAh की बैटरी मिल रही है। इसके अलावा सेंसर्स की बात करें, दोनों डिवाइस में बैक साइड पर मिल रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर, और दोनों की प्लेसमेंट बिल्कुल सेम पॉइंट पर है, दोनों के अंदर बैक साइड में मिल रहा है। तो ज़्यादातर स्पेसिफिकेशन में स्पार्क 17 मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी के अंदर। डिस्प्ले के अंदर भी आप देख सकते हैं स्पार्क 17 ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है, ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं, वाइट्स भी ज़्यादा अच्छे हैं, कॉम्पैक्ट साइज़ है, डिज़ाइन भी अच्छा है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के मुकाबले में। और इसके अलावा हमने कैमराज देखे, कैमराज के अंदर भी स्पार्क 17 ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। एक तो 48 मेगापिक्सल प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे 13 मेगापिक्सल्स हैं, कैमरे की पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी कैप्चर कर रहा है, डिटेल्स कलर्स काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं, कैमरा फीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, वीडियो के अंदर बुके मोड भी मिल रहा है जबकि हॉट 10 प्ले के अंदर नहीं मिल रहा। फिर परफॉर्मेंस में भी देखा हमने, परफॉर्मेंस सारी सेम मिल रही है, दोनों के वेरियंट सेम है, लेकिन स्पीड टेस्ट के अंदर स्पार्क 17 आगे रहा, सारी एप्लीकेशन को जल्दी लॉन्च किया स्पार्क 17 ने। और इसके अलावा दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर सेम है और दोनों के अंदर सेम बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। बाकी बैटरी टाइम कैसा है, कितना, कौन से देर, कितनी देर चलती है, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तक की वीडियो में इतना ही। दोनों डिवाइसेस 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर हैं, तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि दोनों डिवाइसेस 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर दोनों डिवाइस की सेम स्पेसिफिकेशन कौन सी चूज़ करें। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि स्पार्क 17 ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा बेहतर कैमरा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरी तरफ से टेक्नो स्पार्क 17 रिकमेंडेड है। आप लोग ये कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।